चलो जल्दी जल्दी तोड़ो, चर्च भी जाना है। तो गया मम्मी, चलिए इतना ही तोड़ते हैं। ये छोटी अच्छे से पानी दे, हम लोग का बारी पूरा। अरे कैसे डाल रही है बेटा। चलो हो गया, चलो हो गया। हाँ चल चल, बंद कर। हम बंद कर क्या? जल्दी से घर आना, चल जल्दी आना। ठीक है, अच्छे से खाना। ठीक है, हम जा रहे हैं घर। चलो तुम लोग को गाना सिखाएंगे ना आज शाम में। हाँ। उसको तुम लोग आज स्टेज में गाना, ठीक है बेटी? और तुम भी ए, चलो कहाँ जा रहे हैं? मुखिया कोसो ग्राम पंचायत चंद्रक्री प्रखंड। नमस्ते मुखिया जी। नमस्ते, कुछ बात करना है आपसे। हाँ बोले। गांव में एक महिला है जिसकी वजह से पूरा गांव का लोग परेशान है, क्योंकि वो डेली चर्च जा रही है। हाँ। और उसकी वजह से गांव का नाम बदनाम हो रहा है। तो आप गांव के मुखिया है, तो आपका पूरा हक बनता है कि आप उसको जाकर समझाएं, क्योंकि हम लोग से वो समझ नहीं रही है। तो बहुत चिंता का विषय है। तो मुखिया जी आप देखना होगा कौन परिवार ऐसा कर रहा है, उन लोगों को थोड़ा समझाना होगा, है कि नहीं? चलो फिर चलते हैं उसके घर। चलो वो सब्जी लाने में उसको अच्छे से तोड़ो, बनाएंगे आज सब्जी। गलती का बात है, आप लोग पापा की छोड़ी समझ आता है, हम आपको कौन सा बात ला रहे। देखिए आप लोग जैसा भी करें लेकिन हम परमेश्वर को नहीं छोड़ेंगे मुखिया जी। आप लोग बाहर ला रहे हैं, आप लोग देखिए आप ऐसा मत कीजिए, हम परमेश्वर को कभी छोड़ नहीं सकते मुखिया जी। लोग नहीं मानने वाला है, जाओ जाओ जी। मम्मी वो लोग तो ठीक ही बोल रहे थे कि परमेश्वर को छोड़ दो, अब हम लोग कहाँ जाएंगे? नहीं बेटा, हम लोग क्या ठीक बोल रहे थे, परमेश्वर को छोड़ने के लिए बोल रहे थे। हम लोग को परमेश्वर को नहीं छोड़ना है, कितनों भी दुख परेशानी जो भी आ जाए लेकिन परमेश्वर को नहीं छोड़ना है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे लेकिन अंत तक जो धीरज धर रहेगा वो उद्धार पाएगा। तो हमको तो पता है ना वचन, तो वचन पर विश्वास करना है हमको, नहीं छोड़ना है परमेश्वर को, परमेश्वर पर विश्वास करना है बस। अरे आप लोग यहाँ पे क्यों बैठे हैं ऐसे?
आप कौन? मैं मथियास का दोस्त हूँ। मैं आप लोग को जानता हूँ। मैं मथियास मेरा दोस्त था, वही मेरे को यीशु मसीह के बारे में बताया था। मैं आप लोग का फोटो को मैं देखा था मेरे मोबाइल में जब मथियास भेजे थे। तो आप लोग कैसे यहाँ पे एकदम चुपचाप बैठ गए यहाँ पे सब कोई पूरा परिवार? अरे क्या बताएं, ऐसी सिचुएशन आ गई थी, हम लोग निकाल रहे हैं तो हम लोग यहाँ बैठे। कोई बात नहीं, आप लोग चिंता मत करिए। मैं भी यीशु मसीह को नहीं जानता था, मेरे को मथियास से बताया था। मैं भी एक दिन ऐसे भटका हुआ था, लेकिन उसने मेरे को यीशु मसीह के बारे में बताया, मुझे भी जीवन दिलाया। ऐसे करते हैं, आप लोग चलिए मेरे घर में, आपके दोनों बच्चे को भी ले चलिए। हाँ ठीक है, चलिए आइए। दोस्तों, जैसे कि आपने स्किट में देखा कि एक ऐसा परिवार है, बेसहारा है, उनके पति नहीं है और कुछ लोग उसे परेशान करते हैं और गांव से उन्हें निकाल देते हैं। तो दोस्तों, इस स्किट से हम लोग यही समझाना चाहते हैं, कई सारे ऐसे हमारे जीवन में भी होता है, तो हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है, क्योंकि परमेश्वर कोई ना कोई उपाय करके किसी ना किसी के माध्यम से परमेश्वर लोगों को अपनी महिमा और लोगों को अपनी रक्षा करता है। तो हमें विश्वास करना है परमेश्वर पर, और इस बात के परमेश्वर पर विश्वास रखना है कि जो वचन बताता है कि जो आखिरी तक जो धीरे धीरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। हम लोग को कोई लोग धमकी से कोई लोग हम लोग को निकाल देते हैं, उस समय हम लोग को डरना नहीं, परंतु परमेश्वर के वचन के अनुसार धीरज के साथ हमें प्रभु में बने रहने की जरूरत है। परमेश्वर जरूर उपाय कोई ना उपाय करेगा। सब कुछ है मसीह।